एसेट मैनेजमेंट की। मैं आपको बता दूं कि एडलवाइस का एक ग्रेटर चाइना फंड है, इन्होंने एक फेरिस्त बनाई हुई है चाइनीज डेडिकेटेड कंपनियों की, तो वहां पर किस तरह के मौके हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, उसी पर आज कर रहे हैं हम चर्चा। राधिका, वो चाइना फैक्टर पर मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले भारतीय बाजार, जहां पर हमने देखा एफआईआई की तरफ से एक बहुत तगड़ी बिकवाली रही, पिछले चार ट्रेडिंग सेशंस में लगातार बिकवाली की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। क्या ये सिलसिला आगे बढ़ सकता है? जो हम पीक से, निफ्टी के पीक से 4% करेक्ट हुए हैं, ये क्या नॉर्मल है या फिर अब शायद शुरुआत हो सकती है मुनाफा वसूली की और शायद मंदी की? See, I think, you know, 4% correction from the peak को तो मैं correction भी नहीं मानूंगी। In fact, I think, बाजार में किसी भी point पे 10-15% का correction तो हो ही सकता है। अगर आप बड़े से बड़े bull markets देखें, अगर आप 2004-5-6 जैसे भी years देखें जब बाजार ने बहुत अच्छे returns दिए हैं, उनमें भी in the middle आपको 10-15% का correction दिख सकता है। तो इसको तो मैं बहुत वो नहीं मानती। आई थिंक पिछले 3-4 दिनों से नॉट जस्ट इंडिया, काफी इमर्जिंग मार्केट्स में आपने ये करेक्शन देखा है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप हिंदुस्तानी बाजार को देखें तो जो अभी आया अर्निंग सीजन है वो ज्यादातर ठीक ठाक गुजरा है। फेस्टिव सीजन आने वाला है, कंजम्पशन की एक्सपेक्टेशन है, तो आई थिंक जब तक हमारी अर्निंग्स लेड रिकवरी है और लोकल फ्लो स्ट्रांग है, होपफुली ये करेक्शंस बहुत डीप नहीं रहेंगे। लोकल फ्लोस तो अनडाउटेडली स्ट्रांग है, क्योंकि भारतीय निवेशकों ने इतनी लंबी चौड़ी यू नो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जो एसआईपीज 2020 में शुरू की, वो सिलसिला और वो चस्का मार्केट में पैसे बनाने का बरकरार है। लेकिन बीच में लग रहा था, स्पेशली सितंबर में जो एफआईआईज की तरफ से खरीदारी आई, तो उम्मीद ये जगी कि शायद वो फ्लोस भी आते हुए दिखाई देंगे। क्या एफआईआईज को दूसरे मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं इस बीच, जो चाइना में हो रहा है, जिस तरह का स्टिमुलस आया है, क्या वो हमारे लिए एक बड़ा कंपटीशन है एफआईआई फ्लोस के लिहाज से? देखिए, कंपटीशन तो है, बिकॉज अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स में देखें, जो बड़े मार्केट्स हैं जहां आप साइजेबल कैपिटल डाल सकते हैं, आज वो इंडिया और चाइना ही है। लेकिन दोनों बहुत अलग तरह के मार्केट्स हैं। हम लोग ऑफकोर्स इंडिया का लार्जेस्ट चाइना ऑफशोर फंड भी रन करते हैं, तो वी लुक एट दैट मार्केट वेरी क्लोजली। चाइना एक बड़ा मार्केट है, लेकिन एंड वैल्यूएशंस भी वहां रिलेटिवली सस्ती हैं। एक एफआईआई के लिहाज से जब आप मार्केट्स देखते हैं तो आप इंडिया भी देखते हैं, आप चाइना भी देखते हैं, आप सारे मार्केट्स देखते हैं, तो वहां वैल्यूएशन का आपको एडवांटेज है। लेकिन जो ग्रोथ में एक स्लो डाउन है वो भी लोग देखते हैं, सो इट इज अ लिटिल बिट ऑफ, इनफैक्ट जब मैं बाहर की कॉन्फ्रेंसेज में जाती हूँ, एफआईआई से बात करती हूँ, तो एक तरफ उन्हें इंडिया दिखता है जो सस्ता नहीं है लेकिन ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, दूसरी तरफ चाइना है जहां वैल्यूएशन सस्ती है लेकिन थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। तो हर इन्वेस्टर अपना एक अलग कॉल लेगा। आई थिंक पिछले कुछ दिनों में हमने सुना है सेलेक्ट एफआईआईज आर सेइंग चलो इंडिया में से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, चाइना में थोड़ा सा डाल देते हैं, तो एफआईआईज के साथ ये टैक्टिकल एलोकेशन मुझे लगता है चलता रहेगा। गुड न्यूज फॉर द इंडियन मार्केट हाउएवर इज कि हमारे जो फ्लोज रहे हैं जस्ट इस टाइम पे जब मार्केट बढ़ा है, वो ज्यादातर डोमेस्टिक फ्लोज रहे हैं। FII flows तो इंडिया में जितने आने चाहिए वो एक्चुअली आए ही नहीं है। सो इवन इफ देयर इज सम रीएलोकेशन टुवर्ड्स चाइना, इट इज अबाउट फ्यूचर फ्लोज, नॉट फ्लोज जो ज्यादातर इंडिया में आए हैं। जी, तो चाइना को लेकर इस समय जो इतना इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और इसकी हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, हम भी इसको काफी डिस्कस करते आए हैं, क्या ये एक लॉन्ग टर्म बड़े बदलाव की तरफ कदम है राधिका? दैट्स द मोस्ट क्रूशियल थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप इस मार्केट को काफी क्लोजली ट्रैक करती आई हैं। पहले भी चाइना ने स्टिमुलस दिया है, बट हाउ डिफरेंट इज इट दिस टाइम? दिस इज अ ट्रिकी थिंग टू से, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने शुरुआत करी ये लॉन्ग टर्म पूछने से, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड, एंड हमने अपने चाइना फंड में ये एक्टिविटी देखी है, पिछले दो हफ्ते तक कोई एक्टिविटी नहीं थी फंड में, बहुत म्यूटेड एक्टिविटी थी। इन द लास्ट 3-4 डेज इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर फंड, बहुत लोग इंक्वायर कर रहे हैं, बहुत लोग पैसे डाल रहे हैं, एंड आई एम टेलिंग एवरीवन, हम लोग सबसे कह रहे हैं कि अगर आप लंबे समय तक चाइना में पैसे डालने वाले हैं, अगर आपका सच में 5-10 साल का होराइजन है, तभी आप डालिए, क्योंकि लंबे समय में अगर आप देखें तो चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एक डोमेस्टिक मार्केट वहां बहुत स्ट्रांग है, और जैसा कि मैंने एफआईआई के नजरिए से भी कहा, वैल्यूएशंस का आपको फायदा है,
और थोड़े से स्टिम्यूलस मेजर्स हाँ आए हैं टू रिवाइव कंजम्पशन, टू रिवाइव रियल एस्टेट, एंड आई थिंक चाइना में रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमी, और जो पोस्ट कोविड कंजम्पशन में स्लो डाउन आया था उसको रिवाइव करने का एक मौका है। इक्विटी मार्केट्स को भी स्टेबलाइज करने की तरफ कुछ अटेम्प्ट बनाए जा रहे हैं। द प्रॉब्लम्स एंड द अनसर्टेनिटी डज नॉट गो अवे ओवरनाइट। मुझे बस ये वरी है कि लोग छोटे बाउंस के लिए, जो शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए आ रहे हैं, वो ना आए लंबे समय के लिए। अब तो राधिका ऐसे में क्योंकि यहां पर एक्टिविटी बन गई और पिछले 2 हफ्तों में जैसे आपने कहा कि इंटरेस्ट और इंक्वायरीज आपके फंड के लिए बड़ी है, उतनी इंटरेस्ट और इंक्वायरीज चाइना डेडिकेटेड ईटीएफ्स में भी देखने को मिली है। तो अगर एक निवेशक ये टैक्टिकल प्ले लेना चाहता है, विच इज एन ईजियर वे टू एंटर, क्या एक फंड में पैसा एलोकेट करें, एंड आई एम अज्यूमिंग वहां पर आप शायद SIP शुरू कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म लमसम पैसा लगा सकते हैं, या फिर ETF में के जरिए ये ज्यादा क्विक रहेगा। हाउएवर वो ETFs में भी प्रीमियम्स हमने बढ़ते देखे हैं। यस एंड इसमें कोई राइट आंसर नहीं है। आपको एक्चुअली दो चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो जो सारे चाइना प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में, और 4-5 ही प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ETF हो या फंड, वो बहुत अलग अलग हैं। फॉर इंस्टेंस, आर फंड इज अ ग्रेटर चाइना फंड, इसमें चाइना प्लस हांगकॉन्ग का एक्सपोजर है। अब इंडिया में एक ETF है जो एक टेक फोकस्ड चाइना फंड है, तो आपको शायद सिर्फ टेक सेक्टर में एक्सपोजर लेना है तो आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। सिर्फ उसके के फंड है या ETF है, इसके पीछे मत भागिए। पहले जो प्रोडक्ट क्या है उसको देखिए। इंडिया में भी अगर कोई निवेश करना चाहे, यू डोंट जस्ट बाय इंडिया, यू चेक ये लार्ज कैप है या मिड कैप है या वैल्यू है या ग्रोथ है। जी दूसरा, जो आपने कहा, ये ETFs में अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा इशू आ गया है कि प्रीमियम्स काफी बढ़ गए हैं। इनफैक्ट मैंने सुना है कि कुछ ETFs में जो प्राइस पे लोग खरीद पा रहे हैं, जो एक्चुअल NAV है, उसमें 10-20% का प्रीमियम है। तो ऐसे प्रीमियम्स हैं तो आप कभी पैसे बना नहीं पाएंगे। ये प्रॉब्लम एक्चुअली एक फंड में होती नहीं है। सो फंड में यू बाय एट द NAV, बिकॉज वी डोंट हैव दिस इशू ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो मुझे लगता है जो एक लंबे समय का इन्वेस्टर है, एक्चुअली इवन समवन हु वांट्स टू प्ले दिस गेम फॉर द शॉर्ट टर्म, उसके लिए फंड इज अ वेरी इजी वे टू डू इट। हमारा तो एक बहुत ब्रॉड बेस्ड फंड है, एंड यू डोंट हैव दिस इशू ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो राधिका फिर सवाल आता है, इफ आई एम इवन कंसिडरिंग पुटिंग द मनी इन द फंड, ये रफली किस तरह के रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है, स्पेशली ये रीसेंट डेवलपमेंट्स और रीसेंट स्टिमुलस के चलते। मैं कुछ डेटा देख रही थी, अब ये चाइना का आपका ग्रेटर चाइना ETF 2019 से 2020 में इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन उसके बाद BSE 500 ने ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करके दिया, क्योंकि ऑफकोर्स इंडियन मार्केट्स में जो हुआ सो हुआ। क्या अब ये रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे सकता है? क्या ये फंड ज्यादा बेहतर भारतीय बाजारों की तुलना में रिटर्न कमा कर देगा, या फिर वेयर विल इट स्टैक अप? दिस इज अ वेरी हार्ड क्वेश्चन टू आंसर इन द शॉर्ट टर्म, बट मैं ये जरूर कहूंगी, और हमेशा लोग इसको भारतीय बाजार से तुलना करते हैं, एक ऐसा दौर आया 2019 से पहले जब ये फंड भारतीय बाजार से कहीं ज्यादा अच्छा करता था। फिर एक दौर आया जहां भारतीय बाजार ने इसे बीट किया। इंटरनेशनल मार्केट्स में आप क्यों निवेश करते हैं? क्योंकि वो आपको डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन सुनने में बहुत अच्छी चीज लगती है, लेकिन उसका मतलब यही है कि कभी एक मार्केट अच्छा करेगा आपके पोर्टफोलियो में, कभी दूसरा मार्केट अच्छा करेगा। और हम अभी बैठे बैठे ये नहीं बता सकते कि कौन सा मार्केट कब अच्छा करेगा। मैं हमेशा निवेशकों से कहती हूं, अगर आप हिंदुस्तान में हैं, आप अपना 10-20% एलोकेशन इंटरनेशनल फंड्स में रखिए। अगर आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं, उसमें से कुछ US में जाना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत मेजर मार्केट है, और कुछ इमर्जिंग मार्केट्स जैसे चाइना में जाना चाहिए। तो मुझे अगर आप इस फंड के कॉम्पोजिशन के डिटेल्स दे सके, क्योंकि उसी में शायद हमारे दर्शकों का भी इंटरेस्ट रहेगा। IC यहाँ पर Tencent है, कुछ ताइवानीज सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं, और जैसे आपने कहा यहाँ पर चाइना की दिग्गज कंपनियां और हांगकांग वाली कंपनियां भी हैं। तो क्या यूनिकनेस है इस पर्टिकुलर फंड कॉम्पोजिशन की, और किस थीम पर फिर आप लोग राइड कर रहे हैं? सो दिस फंड इज अबाउट 60-70% चाइना प्लस हांगकांग एंड 30% ताइवान, क्योंकि ताइवान में कुछ काफी अच्छी कंपनीज हैं, एंड सो दैट इज द ब्रॉड कॉम्पोजिशन ऑफ दिस फंड। अभी इस फंड्स में जो थीम्स हैं रिलेटिव टू द बेंचमार्क, आप जब देखते हैं तो एब्सोल्यूट देखते हैं, बट आई एम सेइंग रिलेटिव टू द बेंचमार्क कुछ थीम्स जो इसमें इंटरेस्टिंग है। एक तो टेक में इट्स मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल टेक टू ऐसी कंपनीज जो AI की बेनिफिशरीज हैं, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम है। दूसरा एक थीम है कार्बन न्यूट्रलिटी इस फंड में। आप देख रहे हैं कि
ईवी जैसे सेगमेंट में फॉर इंस्टेंस चाइना इज बिकमिंग वन ऑफ द लीडर्स, सो बेनिफिशरीज ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी। रियल एस्टेट मार्केट में जिसमें काफी सपोर्ट दी है सरकार ने, और उसके इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज जैसे होम इम्प्रूवमेंट वगैरह है, कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स, उसमें ये ज्यादा फोकस्ड है। अंडरवेट या इसकी कम पोजीशंस ज्यादातर बैंकिंग में है, क्योंकि बैंक्स ज्यादातर स्टेट ओन्ड है, थोड़ा इंश्योरेंस में भी पोजीशंस हैं। सो टेक, इंश्योरेंस, बेनिफिट ऑफ रियल एस्टेट रिवाइवल एंड कंजम्पशंस, एआई, ये तीन चार थीम्स हैं जहां इस फंड में थोड़ा ज्यादा फोकस। और ये एक एग्जैक्ट बहुत एक्टिवली मैनेज फंड है, इसमें 50 से 60 स्टॉक्स हैं। इट्स मैनेज बाय आवर पार्टनर जेपी मॉर्गन टीम, जिनके करीब बिटवीन चाइना एंड हांगकॉन्ग 40-50 लोग हैं ग्राउंड पे जी। उस मार्केट में। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स। नॉर्मली एक आम निवेशक जब भी चाइना वाली खबर सुनता है तो पहले मेटल्स में एक्सपोजर ले लेता है, बिकॉज इट्स द इजिएस्ट कोरिलेशन कि चाइना की इकोनॉमी अच्छा करेगी तो डिमांड बढ़ेगी। क्या उस तरह का प्ले आगे चलकर आएगा इस फंड में, और दैट्स नॉट द वे टू लुक एट दिस व्हेन यू आर मैनेजिंग दिस फंड? दैट्स नॉट द वे टू लुक एट इट। सी, हम लोग एक बहुत नैरो नजरिया है चाइना को देखने का। आप इसको एक चाइना का फ्लेक्सी कैप फंड की तरह देखिए। ये आपको एक्सपोजर देना चाहता है ब्रॉड चाइनीज मार्केट में। और जो चाइना जैसे एक इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में कभी फंड मैनेजर कुछ सेक्टर्स में आता है, कभी कुछ फंड मैनेजर दूसरे सेक्टर्स में आता है, ऐसे ही इसमें एक डायनामिज्म है। एक टाइम था जब इस फंड में काफी ट्रेडिशनल टेक कंपनीज थी, बैंकिंग भी था। अब इट्स मूव्ड अ लिटिल मोर फ्रॉम बैंकिंग टुवर्ड्स इंश्योरेंस, फ्रॉम ट्रेडिशनल टेक टुवर्ड्स एआई। तो एक बहुत डायनामिक और फ्लेक्सी कैप अप्रोच है टू गिव ब्रॉड बेस्ड एक्सपोजर टू द यू नो चाइनीज इकोनॉमी। आई हैव दिस वर्ड बट आई से कि इन इंडिया दिस इज यू नो दाल चावल फंड्स आर मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, दिस इज द दाल चावल इक्विवलेंट ऑफ अ चाइना फंड। लेकिन भारतीय पोर्टफोलियो में फिर ये पापड़ का काम करेगा या अचार का, और इज इट द स्वीट डिश, यू नो, फ्रॉम अ इंडियन इन्वेस्टर इसकी भूमिका क्या रहेगी? इंडियन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉट अ कोर एलोकेशन, बिकॉज फॉर द इंडियन इन्वेस्टर द कोर एलोकेशन विल ऑलवेज बी द इंडिया फंड्स, द फ्लेक्सी कैप, द मल्टी कैप। बट मुझे लगता है अगर आप एक इंडियन इन्वेस्टर हैं जिसको इक्विटी की समझ है, जिसने इंडिया में निवेश कर लिया है, तो एज आई सेड आपका 15 से 20% इंटरनेशनल एक्सपोजर होना चाहिए। और वो आमतौर से लोग दो ही मार्केट में करते हैं, एक यूएस है और एक चाइना है, क्योंकि ये बड़ी इकोनॉमी है। तो अगर आप एक इवॉल्व्ड इन्वेस्टर हैं सो देन दिस इज दैट एलोकेशन फॉर यू। सो फॉर इंस्टेंस मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा यूएस का एक्सपोजर रहा है और इमर्जिंग मार्केट्स का एक्सपोजर रहा है, और इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना के थ्रू। मैं इसी पर आने वाली थी, क्योंकि नॉर्मली जब भी एक इंटरनेशनल मार्केट में लोग एक्सपोजर लेने जाते हैं तो वो नैसडैक फंड्स की बात करते हैं, यूएस वाले फंड्स की बात करते हैं। अब वहाँ की इकोनॉमी में जो हो रहा है, कंस्ट्रिंग रेट कट का सिलसिला शुरू हो चुका है, और दूसरी तरफ चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है, इसे बैलेंस आउट होता आप देखेंगे या नहीं देखेंगे? आपका कन्विक्शन किस इकोनॉमी पर ज़्यादा है इस समय बियॉन्ड इंडिया? So I think that US and China are two very different economies. I think US along with India has been one of the best performing markets, and I think earnings growth in the US has been very, very strong. Tech companies में अगर आप देखें, for instance, हम लोग एक US tech fund चलाते हैं, top 7 में actually काफी rally हुई है, but broader based tech में मेरे हिसाब से अभी भी एक अच्छी opportunity है। अगर आप चाइना को देखें, चाइना का मेजर जो प्ले है वो वैल्यूएशन का प्ले है। ओके, राधिका, मैं अब भारतीय बाजारों के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूंगी। ऑफ कोर्स चाइना का सरोकार जब भी हम मेंशन करते हैं, आई एम गोइंग अ लिटिल बियॉन्ड द फंड एस्पेक्ट, हमने मेटल्स डिस्कस किया, आपने कहा वो बहुत ही नैरो वे है, लेकिन चाइना में हम वो केमिकल थीम आइडेंटिफाई करते हैं। इवन सो JLR का जो बड़ा मार्केट चाइना में है उसकी बात करते हैं, उसका कितना ट्रिकल डाउन इफेक्ट भारतीय इक्विटीज और इन स्टॉक्स इन सेक्टर्स में आगे आता हुआ दिखाई दे सकता है? सो आई थिंक ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स अगर आप देखें, हिंदुस्तानी कंपनियों ने एंड एक्चुअली बहुत देशों की कंपनियों ने, यूएस कंपनीज ने चाइना प्लस वन जो एक वर्ड कॉइन गया करा गया है, वो एक बहुत वो एक्शन में दिख रहा है। अगर आप इंडिया की फैक्ट्रीज विजिट करें, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सप्लाई चेन्स चाइना से डाइवर्सिफाई करें। अब क्या वो पूरी तरह डाइवर्सिफाई हुई है? नहीं हो पाई है। अभी भी अगर आप बहुत जगह देखें, मशीन्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना।
अगर आप बहुत जगह देखें, सेमीकॉन की बहुत पावरफुल स्टोरी रही है, तो चाइना प्लस वन वाइल एक स्ट्रेटेजी रही है, वो कुछ मायनों में कामयाब हुई है, लेकिन अभी भी चाइना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल ट्रेड। फेयर इनफ, लेकिन क्या फिर वो थीम भारतीय बाजारों में भी प्ले आउट होती हुई दिखाई देगी? एक समय था जब ये चाइना प्लस वन की बात हुई थी और केमिकल स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली थी, क्या वो फिर से दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर उभर कर आ रही है इस समय? मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ। थीम ऑलरेडी है, लेकिन शायद वो केमिकल स्टॉक्स में नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देखें, जो एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है, अभी हाल ही में हुआ iPhone 15 में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा रहा, तो वो थीम आपको दिख रही है, लेकिन वो थीम आपको APIs में दिखेगी, जैसे मेडिकल APIs में दिख सकती है। वो थीम आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में दिख रही है। केमिकल स्टॉक्स का केस थोड़ा अलग है, वैल्यूएशंस आर ऑलरेडी रन अप क्वाइट अ बिट, तो थीम दिख रही है लेकिन वो केमिकल्स में नहीं दिख रही। तो थीम्स ऑफ कोर्स अब बदल रही है और इतनी अट्रैक्टिव केमिकल में नहीं रही है शायद। राधिका, कमिंग बैक टू इंडियन मार्केट, और इस समय आपने कहा एक बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा अर्निंग्स में क्या निकल कर आता है। Q2 के कुछ अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं, बैंक्स होपफुली डिपॉजिट्स के जरिए अपना कुछ फंड गार्नर कर पाएंगे, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट कम होगा या नहीं होगा उसमें कोई गारंटी नहीं है। क्या लग रहा है स्थिति कैसी बनेगी, और स्पेशली ये रेट कट के माहौल में RBI क्या कुछ एक्शन जल्द लेता हुआ दिखाई देगा अक्टूबर पॉलिसी में? आई थिंक पहली बात तो Q2 अर्निंग से हम ज्यादा कुछ वो देख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा कट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि Q1 Q2 तब हुए थे, खासकर Q2 जब एक इलेक्शन का दौर था, तो बहुत सारी जो पॉलिसी मेकिंग है वो थोड़ी कम होती है। आई थिंक हम सीरियस ऐसा इन दैट सिनेरियो 1% अर्निंग्स कट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्रॉडली अगर हम देखें अर्निंग्स रेजिलियंस है, हम फेस्टिव सीजन को बहुत क्लोजली देखना चाहेंगे, क्योंकि वहां हमें थोड़ा एक कंजम्पशन रिवाइवल, कंजम्पशन डिमांड का इंडिकेशन मिलेगा। हमारा मानना है कि विद US रेट कट कमिंग, RBI बहुत पीछे नहीं रहेगा, तो इंडिया में भी एक कट आएगा। लेकिन एक बात जानना बहुत जरूरी है, इंडिया में रेट्स उतना ड्रास्टिकली नहीं बढ़े थे जितना US में बढ़े थे। तो US में आप गए थे 0 से 5%, इंडिया में गए थे आप 4, 4.5 से 7.5%, तो इतना डेल्टा नहीं है। तो जितना RBI को काटना है वो बहुत ज्यादा नहीं है, जी एंड इंडिया में इन्फ्लेशन इतनी स्पाइक नहीं हुई थी। इनफैक्ट एट 4.5%, तो हमें एक्चुअली चाहिए अबाउट 5% इन्फ्लेशन, 7% इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे कि हमारी 11-12% नॉमिनल ग्रोथ रहे। तो कट तो होगा, लेकिन हमारे यहाँ हमारे हमें कट इतना करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन चर्चा को आगे जारी रखेंगे और आगे राधिका से पूछेंगे कि भारतीय बाजारों में अगर इस समय पैसा लगाना है तो वो किस तरफ होना चाहिए, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स या फिर आपके दिग्गज शेयर। है CNBC आवाज पर, आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड, और आज हम बात कर रहे हैं एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड की MD और CEO राधिका गुप्ता से। राधिका, एक निवेशक जो शायद प्लान कर रहा हो कि अब यहां से इस साल के अंत तक कहाँ पर पैसा बनेगा, ये इस साल की शुरुआत में भी बातचीत हुई थी, इनफैक्ट पोस्ट बजट भी काफी बातचीत हुई थी कि 2024 में या फिर FY25 में आप दिग्गजों पर ही जोर दीजिए क्योंकि वहां पर वैल्यूएशन ज्यादा सस्ते थे। अब इंटरेस्ट आया है और कुछ दिग्गज स्टॉक्स चले भी हैं। अभी भी आपको लग रहा है मौका यहीं पर है कंपेयर टू आपके माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप्स? तो मेरा तो 2024 का थीम रहा है मिडिल पाथ। मिडिल पाथ का जी मतलब है कि यस, आप पूरी तरह स्मॉल एंड मिड कैप की तरह ना रहे, नॉट ओनली क्योंकि वैल्यूएशन काफी बढ़ गए हैं, बट क्योंकि ये एक इट इज फाइनली स्मॉल एंड मिड कैप। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर आप पूरी तरह लार्ज कैप की तरह रहेंगे तो आपके जो सेक्टोरल एक्सपोजर है वो बहुत कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि आपका लार्ज कैप इंडेक्स में रिप्रेजेंटेड है बैंक्स, एनर्जी, मेटल्स, ये सारी थीम्स, ऑयल, ये सब ज्यादा रिप्रेजेंटेड है, टू अ सर्टन एक्सटेंट टेक। तो हम तो लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि अभी आपका अप्रोच थोड़ा फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप होना चाहिए, जिसको मैं कहूंगी मिडिल पाथ, जहां लार्ज कैप एक्सपोजर 40 से 60% रहे आपके पोर्टफोलियो में, बाकी आपका थोड़ा सेलेक्ट अपॉर्चुनिटीज, अभी भी सेलेक्ट अपॉर्चुनिटीज है मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में। तो ये एक मिडिल पाथ का अप्रोच हमने रेकमेंड किया है। सर्टनली हम रेकमेंड करते हैं कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, आजकल लोग ना
बेंटू दाल चावल, ये बहुत पिकल चटनी वाला काम कर रहे हैं। वे आर बाइंग सेक्टर फंड्स विद वेरी वेरी नैरो एक्सपोजर टू अ थीम जिसका 80 मल्टीपल है, 100 मल्टीपल है, वो तो आप जरूर अवॉइड करिए। और कोई ओके, ये एक चीज अवॉइड करनी है कि सेक्टोरल थीम्स ना पकड़े, लेकिन कोई एक खतरे की घंटी जिससे बचा जा सकता है इस समय, एट दिस पॉइंट इन टाइम मार्केट्स में? आई थिंक, आई जेन्युइनली थिंक इट इज सेक्टर्स जहां वैल्यूएशन, सेक्टर्स एंड एरियाज एंड पॉकेट्स जहां वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए हैं। अगर कोई स्टॉक, अगर कोई सेक्टर 80, 90, 100 की पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ चाहिए होगी टू मेक मनी। अगर आप 10 साल के होराइजन से किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट डजेंट मैटर, बट अगर आप 3 से 5 साल की, तो ये इसमें आपको सेंसिटिविटी रखनी पड़ेगी। राधिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। लेकिन इस बारी चाइना का फैक्टर हम डिस्कस कर रहे थे, और एक अपॉर्चुनिटी अगर आप चाइनीज ड्रैगन को राइड करना चाह रहे हैं तो उस फंड में ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसको आप ज़रूर पहले स्टडी कीजिएगा। चाहे तो दोबारा सा इस शो को ज़रूर सुनिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड लक टू यू। थैंक यू। चलिए इसी के साथ फायदेमंद फंड में आज इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार, टेक केयर।